अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के भी लोग इंजॉय करें। तो जी, रात का तकरीबन 1 बज चुका है, 12 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत खूबसूरत मौसम और बहुत ही प्यारा मौसम और बादल, मेरा मोबाइल फोकस नहीं कर पा रहा, इतने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। बादल जो है ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे नीचे आ रहे हो ना, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इतना ज़्यादा ना मोबाइल फोकस नहीं कर पा रहा, बहुत कम आप लोगों को दिखा सकते हैं हम लोग। और ये देखें, बारिश अभी भी हल्की हल्की सी रिमझिम स्टार्ट है, अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से बादल, मौसम खूबसूरत, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। छत पे खड़े हैं और लाइट भी जा चुकी है एज़ यूजल। आपको पता है कि बारिश जब जैसे ही आती है और जी लाइट तो भाग जाती है फ़ौरन, तो यहाँ पे बारिश चली गई है, बारिश हो रही है, लाइट चली गई है और हम लोग छत पे खड़े इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और यहाँ पे ही मौसम इतना खूबसूरत बन चुका है और हम लोग कर रहे हैं इंजॉय। हुई थी बारिश और अभी इतनी हब्स हुई पड़ी है। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं सारा, और यहाँ पे चाय बन रही है। साथ में नाश्ता मैंने बनाया है अपने लिए, ऑमलेट और साथ में ब्रेड है और मीठा ब्रेड भी है ये वाला। ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, ब्लैक ब्राउन हो गया। तो इधर मैंने दोपहर के लिए क्या बनाया है, आलू और गोभी का सालन, धुआँदार मज़ेदार सालन बन गया है आलू गोभी का। और साथ में जी मैं चाय बन रही है, नाश्ता किया आज, ब्रेड और मीठे ब्रेड बच्चों ने खाए हैं और साथ में किसी ने जैम और ब्रेड, किसी ने ऑमलेट, मैंने ऑमलेट और ब्रेड लिया है। तो आप ना इस तरह हो रहा है कि इतनी हब्स है ना, ज़मीन ने अपनी वो जो जितनी वो तप्स थी वो निकाल दी है, निकाल रही है और इतनी हब्स हो रही है। बारिश तो हुई है लेकिन अभी इतनी हब्स है कि बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, चिपचिपाहट सी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अल्लाह मियाँ से दुआ है कि बादल तो हैं अभी भी, तो अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अभी भी बारिश हो जाए और अच्छे से बारिश हो जाए, तो शायद फिर 2-3 दिन अच्छा सा मौसम खुशगवार सा रहेगा। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है और बनाने को शॉर्ट्स वगैरह तो डालती हूँ लेकिन वीडियो कम डाल रही हूँ। तो मैं अभी आ जाऊँगी अपनी रूटीन पे, रेगुलर वीडियो आने स्टार्ट हो जाएगी। बस गर्मी की वजह से दिल नहीं चाहता वीडियो बनाने को और बस जल्दी जल्दी ये होता है खाना वाना बनाएं और बस खाएं और रूम में घुस जाएं, तो यही होता है। तो बस इसी में बच्चियाँ अभी सफाई कर रही हैं, तो मैंने खाना वाना बना लिया है, दोपहर का खाना भी बना दिया है और साथ में दोपहर का ही टाइम है क्योंकि अब तो 1 बज रहा होगा जब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और खाना भी मैंने दोपहर का बना दिया क्योंकि गैस चली जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि 4-5 बजे तक ना बच्चों को दोबारा भूख लग जाती है, तो फिर मैं ये होता है कि तो तंदूर से रोटी मंगवा लेते हैं और फिर बच्चे खा लेते हैं। सालन ताज़ा बना हुआ हो ना फिर कोई मसला नहीं होता, अगर सालन ताज़ा ना बना हुआ ना फिर बड़ा मसला होता है। तो मैंने सालन ताज़ा बना दिया, फ्रेश बना दिया और साथ में जी मैंने अपना ये नाश्ता बनाया, चाय बन रही है, अब साथ में चाय बन जाती है तो नाश्ता करते हैं हम। मैं नाश्ता करती हूँ और खाना वाना बना के मैं किचन अपना सारा नीट एंड क्लीन करके रख लिया है और साफ सुथरा हो गया। तो अब मैं चलती हूँ, आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ और मेरी रूटीन भी यही है कि मैं अपना सारा किचन का जो दोपहर का खाना वगैरह बना के फिर उसके बाद नीट करके किचन को फिर मैंने नाश्ता वगैरह करना होता है, खाना वगैरह खाना होता है। तो ये मेरी रूटीन है। तो अभी जी यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ फिरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो करें।